टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ए न्यू डिवाइस। द डिवाइस नेम इज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाई इट्स पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, हेल्प करता है टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को ये आइडेंटिफाई करता है, इसकी पोलैरिटी क्या है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो ये कंसिस्ट करता है ए वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड। ये होती है एक वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड, जिसे हम मेटल रॉड कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक मेटल रॉड होती है, और ये क्या है, इसके पास एक मेटल प्लेट है या मेटल नॉब कहते हैं। ठीक है, और इस मेटल रॉड से टू थिन गोल्ड लीव्स आर अटैच्ड होती हैं वो लोअर एंड पर। ठीक है, अब होता क्या है, व्हेन ए चार्ज रॉड, ठीक है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है या चार्ज रॉड है, ठीक है, टच द मेटल नॉब, ये मेटल नॉब है। जब कोई चार्ज रॉड होती है उसको टच कराया जाता है इस मेटल नॉब से। ठीक है, तो आउटर एंड ऑफ द रॉड, रॉड का ये आउटर एंड है, इस आउटर एंड पर जो थिन दो गोल्ड लीव्स जो लगी रहती हैं, ठीक है, उनमें डाइवर्जेंस होता है, द लीव्स डाइवर्ज, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन के कारण वो क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, मतलब क्या है, उनमें रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। सपोज दैट शुरू में जब हम चार्ज रॉड है इसके पास टच नहीं कराते हैं, तो मोस्टली हमारी जो मेटल रॉड है वो उसमें जितने पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस रॉड को इसके पास लाते हैं, सपोज करें हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस मेटल नॉब के पास लाएंगे, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो नेगेटिव जितने भी चार्ज होंगे नॉब के आउटर सरफेस पर आ जाएंगे और वो इसे अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ सिर्फ दोनों जो लीव्स हैं थिन लीव्स उन पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रैपल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज हैं। ठीक है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रैपल टू ईच अदर। तो इनमें क्या हो गया, रिपल्सन, मीन्स लीव क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे पास कैसा चार्ज है इस समय लीव्स में, कैसा चार्ज है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से बता सकते हैं कि बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है और इसकी पोलैरिटी क्या है। अगर सपोज दैट हम यहाँ नेगेटिव चार्ज लाएं, नेगेटिव चार्ज रॉड इसको टच कराएं इस मेटल नॉब के पास, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव रहेंगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रैपल करेंगे, और लीव क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, राइस हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, और थ्री टाइप्स, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर वन मार्क्स के लिए। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फॉलो द सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। जैसे सपोज करें हमारे पास फाइव चार्ज हैं और यहाँ टू चार्ज हैं, तो उन्हें सम किएंगे तो सेवन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल रूल को जैसे फाइव हैं और तीन चार्ज सब्ट्रैक्ट करने हैं तो टू है, तो ये सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल प्लस माइनस एन ई। ठीक है, मतलब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है,
कि जो हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है, मतलब क्या है, ये प्लस माइनस ई लिखा होगा, प्लस माइनस 2e फॉर्म में पाया जाएगा, प्लस माइनस 3 इलेक्ट होगा, प्लस माइनस 4 होम इसमें होगा। अब आप कहें प्लस माइनस 1/2, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, एक वर्ड में समझते हैं इसे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम थ्रू द एक रिएक्शन से समझते हैं। यूरेनियम 92-238, ठीक है, न्यूट्रॉन की बमबारी हुई, तो यूरेनियम 92-238, और ये हमारा पहुंच गया थोरियम 92-234 प्लस 2He4 प्लस एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 92 बिफोर डीके, डीके होने से पहले 92 है इसका चार्ज, ठीक है। आफ्टर डीके क्या हो गया, आफ्टर डीके जो चार्ज हो गया वो 90, और 2 कितना हो गया, 92। तो चार्ज क्या है, कंजर्व, आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन। इलेक्ट्रिक जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई है आपकी इलेक्ट्रिक ऑफ चार्ज की। थैंक्स।